पॉलिटेक्निक कैप्सूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सिविल सेकंड ईयर की आरसीसी न्यू सिलेबस आया हुआ है। सिविल सेकंड ईयर में आरसीसी ड्राइंग का, आरसीसी और आरसीसी ड्राइंग दोनों एक ही सब्जेक्ट है, सिलेबस लगभग एक जैसा है, चीज़ें एक जैसे से हैं। आरसीसी में जो चीज़ें हैं वही आरसीसी ड्राइंग में भी पढ़नी है, लगभग सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। आरसीसी ड्राइंग में आज हम लोग देखते हैं, पर इंट्रोडक्शन पे चर्चा करते हैं। पहले हम जान लेते हैं आरसीसी क्या होती है और पीसीसी। एक नाम है आरसीसी, दूसरा नाम है पीसीसी। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, जिसे डीआरसीएस, आरसीटी कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, आरसीसी को। और दूसरा नाम नीचे लिखा हुआ है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। आरसीसी और पीसीसी में अंतर क्या है इसको समझ लेते हैं और आगे फिर बढ़ते हैं। जब किसी संरचना में छड़ का प्रयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो उस प्रकार की संरचना को आरसीसी संरचना कहते हैं, ठीक। जब किसी संरचना में छड़ का प्रयोग किया जाता है अथवा इस्पात का प्रयोग किया जाता है, छड़ की जगह पे आप इस्पात कहिए, जब किसी संरचना में इस्पात का प्रयोग किया जाता है तो उस संरचना को आरसीसी संरचना कहते हैं, ठीक है, आरसीसी स्ट्रक्चर कहते हैं, प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं दूसरा पीसीसी, क्या नाम है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट। जब किसी संरचना में कंक्रीट का ही प्रयोग किया जाता है तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर को पीसीसी स्ट्रक्चर, सादा सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, ठीक है। जब किसी संरचना में स्ट्रक्चर में स्टील का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस्पात का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो उसे सादा सीमेंट कंक्रीट कहेंगे। जब किसी कंक्रीट संरचना में इस्पात का प्रयोग किया जाएगा तो उसे हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहेंगे। बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया, आगे चलते हैं। आरसीसी संरचना होती है, मान लिया ये कंक्रीट ब्लॉक है, कंक्रीट ब्लॉक जो होती है इसका न्यूट्रल एक्सिस मान लिया यहाँ पे है, तो कंक्रीट ब्लॉक जो होती है वो कंप्रेशन में मजबूत होती है, बट टेंशन में क्या होती है वह कमज़ोर होती, वह नगण्य लोड लेती है। इस कंप्रेशन लोड का सिर्फ और सिर्फ 10% लोड वहन करती है, ठीक है, वही चीज है। लिखा हुआ है नीचे सादा सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट केवल संपीड़न वहन करती है, संपीड़न सामर्थ्य को ग्रहण करती है, कौन, पीसीसी स्ट्रक्चर, ठीक है। यही चीज अभी आपको बताई जा रही थी कि ये स्ट्रक्चर है, यह अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है, सादा सीमेंट कंक्रीट है, तो यह संपीड़न बल को वहन करेगा, तनन बल अगर इस पे डाला जाएगा, इस पे टेंशन पैदा की जाएगी तो यह टूट जाएगा, उस तनन को रोके, तनन बल लगने पर उसे रोके रहने के लिए हम इस संरचना में इस्पात का प्रयोग करते हैं। लाइन के हिसाब से चलते हैं, सादा सीमेंट कंक्रीट केवल संपीड़न बल वहन करता है, जबकि प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संपीड़न तथा तनन बल दोनों वहन करता है। वही चीज अभी बात की जा रही थी कि आरसीसी स्ट्रक्चर तनन तथा संपीड़न बल दोनों वहन करता है, जबकि पीसीसी संरचना सादा सीमेंट कंक्रीट केवल और केवल संपीड़न सामर्थ्य को ग्रहण करती है, जिसकी पीसीसी संरचना की, सादा सीमेंट संरचना की तनन सामर्थ्य संपीड़न सामर्थ्य की 10 से 15% ही होती है, ठीक है।
आगे लाइन में लिखा है कि सादा सीमेंट कंक्रीट पीसीसी संपीड़न बल वहन करता है, परंतु तनाव में यह बहुत कमजोर होता है। यह संपीड़न बल का 10-15% ही वहन कर सकता है लोड। आगे लिखा हुआ है सादा सीमेंट कंक्रीट, जब किसी संरचना का निर्माण, परिभाषा क्या लिखी हुई है सादा प्लेन सीमेंट कंक्रीट की, जब किसी संरचना का निर्माण सीमेंट बालू व गिट्टी के एक निश्चित अनुपात में मिलाने के उपरांत तैयार किया जाता है, तो उस सुघट्य पदार्थ को प्लेन सीमेंट कंक्रीट, सादा सीमेंट कंक्रीट कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, जब किसी संरचना में सीमेंट सैंड एग्रीगेट के मिक्स करके निर्माण किया जाए, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, सादा सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, देखते हैं, आगे देखते हैं। प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, जब मिलावे में छड़ का प्रयोग अर्थात इस्पात का प्रयोग किया जाए, तो उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। यह तनन व संपीड़न दोनों में मजबूत होता है, क्योंकि कंक्रीट जो होता है, क्योंकि कंक्रीट जो होगा, कंक्रीट जो होगा, कंक्रीट जो होगा वो कौन सा लोड लेगा, कंप्रेशन लोड को लेगा, और इसमें डाला गया इस्पात, इसमें डाला गया इस्पात टेंशन को लोड लेगा, तनन बल को वहन करेगा, इसलिए 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 इस संरचना को प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, यही चीज लिखा है कि जब मिलावे में छड़ का प्रयोग किया जाता है, तो उसे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। यह तनन व संपीड़न दोनों को में मजबूत होता है। कंक्रीट संपीड़न तथा इस्पात तनन सामर्थ्य दोनों ग्रहण करता है। इस्पात का प्रयोग 0.7-4% खंड के क्षेत्रफल का रखा जाता है। अर्थात मान लीजिए कि ये कंक्रीट ब्लॉक है जिसका एरिया ए है, इसमें इस्पात का प्रयोग हम कितना करेंगे, 0.724% ऑफ एरिया। ठीक है, मतलब जो छड़ का क्षेत्रफल या इस्पात का क्षेत्रफल होगा इस कंक्रीट ब्लॉक के क्षेत्रफल का 0.7, मतलब मिनिमम 0.7 और मैक्सिमम 4% रखा जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, फिगर में दिखाया गया है कि इस्पात की मात्रा इतनी रखी जाएगी, किसके, ये कितना परसेंटेज किसके रहेगा, उस कंक्रीट ब्लॉक के क्षेत्रफल का जितना छोटा क्षेत्रफल होगा उतनी कम सरिया का प्रयोग, कम छड़ का, कम इस्पात का प्रयोग किया जाएगा। अगर उसका एरिया अधिक होगा, वैल्यूम अधिक होगा, तो हमें इस्पात का प्रयोग उसके अनुसार बढ़ाना पड़ेगा। आगे देखते हैं प्रबलन इस्पात के प्रकार, काइंड्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। प्रबलन इस्पात मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सामान्यतः यह तीन प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला सादा सीमेंट, दूसरा मीडियम टेंसाइल स्टील, तीसरा हाई यील्ड स्टील, उच्च विरूपित छड़े। माइल्ड स्टील बोला जाता है पहला, मीडियम टेंसाइल स्टील और हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। माइल्ड स्टील Fe 250 में निर्मित किया जाता है। सादा छड़े किसे कहते हैं, वह छड़े जिन पे क्रैकिंग का तात्पर्य क्या है कि आपने छड़ देखा होगा, छड़ आती है, एक सादी छड़ आती है, एक विरूपित छड़े। जब छड़ का आकार उस पे किसी प्रकार का सरफेस स्मूथ हो तो उस प्रकार की छड़ को सादा छड़े कहते हैं। ठीक है, जब छड़ों का ऊपरी सतह प्लेन हो तो उस प्रकार की संरचना को हम, उस प्रकार की छड़ को सादी छड़ कहते हैं। फिगर में दिखाया गया है सादी छड़। मीडियम टेंसाइल स्टील,
इसमें क्या किया गया कि कार्बन के परसेंटेज को बढ़ा दिया गया, कार्बन के परसेंटेज को बढ़ा दिया गया, तो इस प्रकार की स्टील का निर्माण हुआ। तीसरा पॉइंट है, कहता है तीसरे टाइप्स क्या कहता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ स्टील। यह दो प्रकार की होती है, एक एफई 200, एक एफई 415 और एफई 500। एफई 415 और 500 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि सादा प्लेन सीमेंट कंक्रीट जो होती है, प्लेन सादा छड़े जो होती है एफई 250 की बनाई जाती हैं, मीडियम टेंसाइल वाली एफई 350 की बनाई जाती हैं, और एफई 415 जो होती है हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार जो बोली जाती है, जब छड़ों पे प्लेन सीमेंट और डिफॉर्मेशन छड़ में जमा, समझ लीजिए प्लेन बार और डिफॉर्मेशन बार, जब छड़ों पर क्रैकिंग न की जाए, प्लेन सरफेस हो, तो उस प्रकार की छड़ को सादा छड़े कहते हैं, और जब छड़ पर, जब छड़ों पर स्पेसिंग पर उसके ऊपर क्रैकिंग कर दी जाए या इस तरीके का विरूपित कर दिया, खुरदुरी सतह प्राप्त की जाए, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, विरूपित छड़े कहते हैं। यह दो प्रकार की होती है, एक एफई 415 और एफई 500। एफई 415 का मतलब उसकी सामर्थ्य से है, एफई 415 की सामर्थ्य कम और 500 की सामर्थ्य अधिक होती है। 415 में कार्बन का परसेंटेज कम और एफई 500 में कार्बन का परसेंटेज अधिक होता है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। प्रबलन इस्पात का आकार कितने आकार का होता है, तीन तरीके की होती है छड़े, अभी आपसे चर्चा हो रही है, गोल छड़े, कौन सी गोल छड़े होती हैं, दूसरा विरूपित छड़े जिनके ऊपर विरूपित किया जाता है, खुरदुरी सतह बनाई जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है, विरूपित छड़े। ऐठी छड़े वो छड़े होती हैं जिनका प्रयोग हम एक पतली तार के तारनुमा पतले वायर को आपस में बांधकर एक जाल बना दी जाती है, तो इस प्रकार की छड़ को ऐठी हुई छड़ कहते हैं। कैसी छड़ कहते हैं, ऐठी ट्विस्टेड बार। पहले आते हैं गोल छड़ों के बारे में, कहते हैं यह छड़े 6 से 8, 10, 12, 14, 18, 16 इस तरीके से 50 mm डाया तक का निर्माण की जाते हैं, इनकी अधिकतम लंबाई 13 मीटर होती है। ठीक है, लेकिन गोल छड़े जो होती राउंडेड बार, इसमें किसी तरीके का कुछ नहीं होता। दूसरा है विरूपित छड़े डिफॉर्मेशन बार, इसमें क्या होती है, इसकी सरफेस क्या होती है, रफ होती है, खुरदुरी होती है। विरूपित छड़ों का प्रयोग करने से गोल छड़ों की, अर्थात कहने का है कि अगर आप विरूपित छड़ का प्रयोग कर रहे हैं, अगर कहीं पे प्लेन छड़ का प्रयोग कर रहे हैं, एक जगह पे, यहाँ पे मान लीजिए कि आपने क्या किया कि विरूपित प्लेन छड़ का प्रयोग किया और यहाँ पे विरूपित छड़ का प्रयोग किया, तो जहाँ पे आपने विरूपित छड़ का प्रयोग किया वहाँ पे आपको नंबर ऑफ बार छड़ों की संख्या कम प्रयोग करनी पड़ेगी सादी प्लेन, मतलब यह स्ट्रेंथ इसकी बॉन्डिंग क्या होती है, विरूपित छड़ों की अधिक होती है। वही चीज लिखा हुआ है, विरूपित छड़ों का प्रयोग करने से गोल छड़ों की अपेक्षा 40% इस्पात बचत होती है। किसकी बचत होती है, इस्पात की। हम किसका प्रयोग करें, डिफॉर्मेशन का। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें डिफॉर्मेशन बार का प्रयोग करना चाहिए। अगली क्या थी, ऐठी हुई छड़ें, यह पतली वायर को साथ लपेट कर बनाई जाती, इनका प्रयोग रेलवे स्लीपर, विद्युत खंभे आदि बनाने में किया जाता है। छड़ का भार कैसे निकाला जाता है, किसी संरचना में कितना इस्पात प्रयोग किया गया, इसकी गणना करने के लिए निम्न सूत्र बताए गए हैं। छड़ का भार प्रति मीटर कैलकुलेट किया जाता है, फार्मूला होता है D² / D² / 162। तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कि ये छड़ ये है और इसकी लंबाई 3 मीटर है, माना ये छड़ कितने mm की है, 16 mm की है, 16 mm की नहीं मान के चले, 12 mm की मान लिया, 12 mm की छड़ मान लिया। अब इस 12 mm की छड़ की लंबाई कितनी होगी, फार्मूला क्या है, छड़ का भार बराबर प्रति मीटर क्या होगा, D² / 162। D² क्या है, D बराबर है
डी स्क्वायर बराबर डी पान 160, डी बराबर डाया ऑफ डी बराबर डाया ऑफ बार। 12 mm की छड़ है तो 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 162 डिवाइडेड बाई 162 कर देंगे तो हमें प्रति मीटर भार पता चल जाएगा। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि वही चीज़, यहाँ मान लिया ये छड़ थी जिसकी लंबाई कितनी थी 3 मीटर, फार्मूले के हिसाब से 12 पान 162 0.89 किलोग्राम प्रति मीटर, और कितनी लंबाई है 3 मीटर की, तो इसमें मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो हमें इस छड़ का पूरा भार पता चल जाएगा। तो छड़ का भार प्रति मीटर क्या फार्मूला होता है, डी स्क्वायर अपान 162, डी बराबर क्या है डाया बार छड़ का व्यास, कंक्रीट के ग्रेड। IS 456 2000 के अनुसार कंक्रीट 3 प्रकार की होती है, सादा सामान्य कंक्रीट, मानक कंक्रीट, उच्च सामर्थ्य कंक्रीट। सामान्य कंक्रीट साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किए जाने वाले कंक्रीट को सामान्य कंक्रीट कहते हैं। मानक कंक्रीट मानक आकृति भवन भूकंप रोधी जैसी आकृति सरफेस जलयान के अंदर समुद्र के अंदर निर्माण करने के लिए बनाई जाने वाली आकृति के लिए जो मानक तैयार किए गए हैं और जो मिलावा तैयार किया गया है उन्हें मानक कंक्रीट कहते हैं। उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट भारी भरकम भवनों का निर्माण करने, समुद्री जहाज़ों का निर्माण करने इत्यादि कार्यों के लिए उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट। सादा सीमेंट कंक्रीट 3 होती है, M10 से लेके M10 15 20। स्टैंडर्ड साइज की कंक्रीट क्या होती है, M20, M25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। और उच्च सामर्थ्य वाली कितनी होती है, 560 से लेके 80 के बीच। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कंक्रीट के ग्रेड लिखिए या कितने होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं, कुल 15 कंक्रीट के ग्रेड बनाए गए हैं। ठीक है, M10 मतलब इसको भी समझ लेते हैं, M10, M20 ये जो लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि भूकंप रोधी भवन निर्माण बनाने के लिए कितने रेशियो का बनाना चाहिए, M25 से कम नहीं होना चाहिए। तो यम क्या दिखाता है, यम मिक्स को दिखाता है, रेशियो के भी दिखाता है कि किस रेशियो में सीमेंट का प्रयोग करना है, कितने रेशियो में सैंड का और कितने रेशियो में एग्रीगेट का प्रयोग किया जाएगा, और इसका मतलब यम मिक्स को दर्शाता है। और उसके आगे लिखा हुआ अंक, उसकी संपीड़न उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दर्शाता है, कितने दिन उपरांत, 28 दिन के उपरांत उसकी अभिलाक्षणिक 28 दिन के उपरांत उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को दर्शाता है। M10 में यम मिक्स को तथा उसके आगे लिखा अंक उसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। कंक्रीट का वर्गीकरण, कंक्रीट 2 प्रकार के होते हैं, नामन मिक्स कंक्रीट, डिजाइन मिक्स कंक्रीट। जब संरचना में प्रयोग से पूर्व कंक्रीट को टेस्ट नहीं किया जाता, मतलब नामन 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, जब संरचना में प्रयोग होने से पूर्व कंक्रीट को टेस्ट नहीं किया जाता, इसकी जांच 28 दिन के उपरांत की जाती है, उसे नामन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। डिजाइन मिक्स कंक्रीट, जब इस कंक्रीट की संरचना को वास्तविक प्रयोग से पहले सैंपल तैयार करके जांच किया जाता है तो उसे डिजाइन मिक्स कंक्रीट कहते हैं। आगे देख लेते हैं, सीमेंट का घनत्व तो कितना होता है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक बोरी सीमेंट का भार क्या होता है, 50 किलो। एक बोरी सीमेंट का भार क्या होता है, 50 किलो। सीमेंट का आयतन कैसे निकाला जाएगा, सीमेंट का आयतन बराबर भार बटे घनत्व। भार क्या होता है एक बोरी सीमेंट का, 50 किलोग्राम, और घनत्व क्या है, 1440। इसको आपस में डिवाइड कर देंगे तो 0.034 मीटर क्यूब सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात याद रखिए, हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए आप लोग कि हमेशा मिलावे को मिक्स करते समय मिलावे को आयतन के अनुसार कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, उसे भार के अनुसार मिक्स किया जाना चाहिए, तो उसकी सामर्थ्य में किसी तरीके का कोई भाव
नहीं पड़ेगा, उसकी सामर्थ्य में कोई किसी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीमेंट का आयतन कैसे निकल गया 0.034, और इसे चेंज कर लिया जाए तो सीमेंट के एक बोरी के लिए 35 लीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सीमेंट तथा बीम में 70 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब सरिया का प्रयोग किया जाता है। स्लैब या बीम बना निर्माण करनी है तो 70 किलो सरिया का प्रयोग किया जाएगा। कॉलम में 160 किलोग्राम पर मीटर क्यूब का प्रयोग किया जाता है। स्टील का स्लैब तथा बीम को बांधने के लिए 14 से 16 गेज के वायर का प्रयोग किया जाता है। 14 से 16 गेज के वायर का प्रयोग किया जाता है, मतलब 2 mm से 1.6 mm की बीच के वायर का प्रयोग किया जाता है, तथा इसकी मात्रा 2 से 4 किलोग्राम टन, 1 टन सरिया बांधने के लिए 2 से 4 किलोग्राम सरिया का प्रयोग किया जाता है। कालम में बांधने के लिए यह 1.5 kg का प्रयोग किया जाता है। आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास में हम और देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।